जी रोज, यही सिचुएशन रही तो उनका दैनिक तबादिन मजीद भी कर सकता है। दिल साहब, इनका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, कौन? हाँ तैमूर, क्या हाल? या आई एम फाइन, ठीक। नहीं तैमूर, मुझे तुमसे कुछ काम है फौरन। अरे कौन है? आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तैमूर, पहचाना आपने? आशी का क्लास फेलो। तो शादी का सुनकर भाग गया था ना, अब क्या लेने आया? इसमें तैमूर का कोई कसूर नहीं था, असल में इसकी अम्मी और अबू। एक मिनट, कौन है ये? ये अदील भाई, मेरे कजन, फरह के हस्बैंड आई हैं। दरअसल फरह घर से गायब हो गई हैं, तो हम उसका मालूम करने आए थे कि शायद आशी को मालूम हो उसके बारे में। क्या फरह घर से गायब हो गई? ना भी ना, हमें कुछ नहीं पता, आशी से पूछ लो। आ जाओ अंदर। कभी तंग आया कभी मंग आया, कभी तंग आया कभी मंग आया। अम्मा कौन है? ये फरह का शौहर आया। ए ए भाई आराम से, ये फरह का शौहर आया है, कह रहा है कि फरह घर से गायब हो गई है। क्या बता सकती है कि फरह कहाँ होगी? उसका भाई और अम्मी भी घर पे मौजूद नहीं, उनका घर लॉक। मेरी कुछ दिनों पहले फरह से बात तो हुई थी, लेकिन उसने कहीं जाने के बारे में नहीं बताया। क्या बात है भाई, कुछ चोरी वोरी करके तो नहीं गई? वो शाहिदा, फरह की माँ, वो तो खानदानी चोर थी। वैसे चुराया क्या क्या? कुछ नहीं, जैसे आप लोगों को फरह के बारे में कुछ मालूम हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिए। अच्छा, थैंक यू, चलें। हाँ चलें। ए बात सुन, बात करता क्या है आजकल? मैं वो आंटी, मैं आजकल यूके में हूँ और वहीं जॉब कर रहा हूँ, आजकल पाकिस्तान आया हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तूने आशी से शादी से इनकार कर दिया था ना, इसलिए मैं तुझसे नाराज हूँ। दरअसल आंटी, उस वक्त डिसीजन लेने की ताकत नहीं थी मेरे पास, अब आजाद हूँ। मगर अम्मा, जाने दो उसे। तैमूर, इसकी बात का बुरा मत मानना, वो दरअसल आशी की तलाक का केस चल रहा है ना, इसलिए बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। तलाक क्यों आंटी? वो दरअसल जिस आदमी से इसकी शादी की थी ना, वो लड़का तो बहुत ही दो नंबरी निकला। बस इसकी तलाक हो जाए, फिर इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। ओह, वेरी सैड। सैड नहीं, वेरी हैप्पी। चल जा, लेकिन आते जाते रहना ना, और इस घर को अपने ही घर समझना। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, वो अदील भाई वेट कर रहे हैं। हाँ चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर आती हूँ। बरकत भाई एंड द कंपनी। अरशद बाबू, कहाँ है? बड़ी मुद्दत के बाद दीदार कराया है। बस काम में लगा हुआ था। कैसा है भाई? ठीक है। जिगर, मैं मुल्तान जा रहा था तो मैं सोचा जाने से पहले भाइयों से मिलके जाऊं। चलिए, अच्छा करा भाई तुमने। जा भाई, जा अरशद, पहले जरा दिल ठंडा कर ले, फिर बैठ के गपशप करेंगे। चल जा। बरकत भाई, झूठा गाना छोड़ दी। अबे बावले, इस काम में झूठा मूठा कुछ नहीं होता, समझा ना?
दादा भाई ऐसा कंचा पीस निकाल के लेके आया, तू देखेगा तेरी तबीयत हरी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत है। अपने लाए हुए काम की कौन बुराई करता है? लेकिन तू बद्दुआ मत देना मुझे, ठीक है? तेरी बारी भी है, मेरी बारी भी है। चुप है, अबे जा ना, टाइम क्यों गया, अबे जा अंदर। कौन भाई है वो भी अपना है? आए हेलो, चेहरा तो दिखा दो। सनानी क्या कह रहा हूँ, चेहरा तो दिखाओ। फंदे पे लटकेगा ताकि तू इबरत का निशान बन सके बरकत। अबे तो तू क्या समझ रहा है कि तू फरिश्ता है, तू हमारे गुनाह में बराबर का शरीक है, तू बचकर कैसे निकल जाएगा? अबे तू भी बचेगा मेरे साथ साथ। चुप चुप, पुलिस कारंगी के गली नंबर 10 प्लॉट नंबर 5 में मैंने 3 बंदे मार दिए, चौथा मेरे सामने है। अच्छा, यहाँ लड़कियों को लाकर उनके साथ जाती होती है। अबे तू बात तो सुन मेरी, फौरन आ जाओ, अगर चाहते हो किसी को पकड़ना तो फौरन आ जाओ। तो हमें फांसी चढ़ाकर तू क्या बच जाएगा? अबे तू कहाँ जाएगा? छोड़ूंगा तुझे भी नहीं मैं। मैं बचने नहीं चाहता, मैं तो वहां जाऊंगा जहां मुझे होना चाहिए, लेकिन तुझे कानून नहीं छोड़ेगा, तो कोई इबरत का निशान बनेगा। एक पुलिस आ गई, तो नीचे कर।
सर अरशद नाम के बंदे ने थाने में टेलीफोन किया था और वो भी इन्हीं का साथी है। वो कहीं छुपा हुआ है, हम उसको तलाश कर रहे हैं। ये कहां से मिला? सर वारदात के वक्त ये ऊपर कमरे में छुपा हुआ था, इसलिए ये बच गया। कब से कर रहे हो ये काम? 3 साल से। लेकिन सर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वो कोचिंग सेंटर के लड़के लड़कियां खुद यहाँ अपनी मर्जी से आते थे, वो हम तो सिर्फ उन्हें जगह देते थे। हाँ वो अपनी मर्जी से आते थे, हम नहीं बुलाते थे उन्हें। झूठ मत बोलो, मुझे अरशद ने सारी तफसीलात बताइए। तुम लोग कॉलेज की और कोचिंग सेंटर की लड़कियों को लेकर उनको नींद की गोलियां खिलाकर यहाँ लेकर आते थे और उनके साथ रेप करते थे और उनकी वीडियो फिल्म बना के उनको ब्लैकमेल करते थे। नहीं, ये काम भी वो अरशद करता था, मैं नहीं करता था, मैं नहीं करता था ये काम। बस बंद करो। सर ये सब वैन ड्राइवर हैं और ये भी इन्हीं का साथी है। अकील बेग। यस सर। इनको ले जाओ और जाके लॉकअप कर दो सबको। नहीं नहीं सर, मैं तो कहता हूँ इनको इधर ही इनकाउंटर कर देते सर, वरना ये लोग जमानतें करवा के फिर बाहर आ जाएंगे और किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलेंगे सर। नहीं सर, सर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। रहम कर दे सर, रहम कर दे। नहीं नहीं अकील बेग, हम इनको मारेंगे नहीं, कल कोर्ट में पेश करेंगे, मीडिया वालों को बुलाकर उनकी स्टोरी टीवी पे चलाएंगे ताकि माँ बाप और खास तौर पर लड़कियां एहतियात बरतें। हम मीडिया के जरिए इनको इबरत का निशान बनाएंगे। इनके दूसरे भी साथी होंगे, जगह जगह छापे मारो और गिरफ्तार करो उनको और ले जाओ इनको। अकील बेग जी सर, फोन करके एम्बुलेंस मंगाओ और इन डेड बॉडी को जाके पोस्टमार्टम करवाओ। सही है। सारी तितलियां तू ले जाता ना बरकत भाई के गैरेज पे, बस इनमें से थोड़ी सी यहां भी ले आ। अगर अरशद भाई वो आपके किस काम की है? उसे तो हम लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, आपने क्या करना उनका? स्मगलिंग मेरी जान, स्मगलिंग। कोई तितली खो गई कांटों में। इसके तो मैं 1.5 लाख दूंगी। अरशद, अरशद ये क्या कह रही है? मेरी जान, ये तुम्हें मेरे हाथ बेच रहा है। अरशद, अरशद ये क्या कह रही है? अरशद ये, अरशद आप कहाँ जा रहे हैं?
अर्शद आप मेरी बात का जवाब दे, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे इसको अंदर ले जाओ। नहीं अर्शद प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाओ। पूरे 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख। 1.5 लाख दो तो करो। जो था फूल मेरे वजूद का, यही मामता का था मोल का। हेलो, चेहरा तो दिखा दो। सनानी क्या कह रहा हूँ, चेहरा तो दिखाओ। था देखना भी गवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। वो रोज और शब में शरीक यूं मेरी रूह तक को दुखा गया। मजबूर था बल्कि डरपोक था। अम्मी अब्बू ने मुझे जबरदस्ती इंग्लैंड भेजा था। मैं शादी करना चाहता था, प्यार करता था और करता रहूंगा मैं। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है तुम्हें। अब मैं तुमसे शादी करूंगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तुम जल्दी से खुला ले लो,
फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। भूल जाओ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ या मेरे साथ हुआ। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें साथ इंग्लैंड ले जाऊंगा। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता आशी। आंटी शायद मुझे जाना चाहिए, मैं फिर आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ और आते जाते रहना। इस घर को तुम अपना ही घर समझो। अब किस बात का दुख है तुझे? वो अरशद कमबख्त तो मौत के मुंह में चला गया। सारे टीवी चैनलों पर उसकी खबरें और तस्वीरें चलती रही हैं। और जमील से अब वैसे ही जान छूटने वाली है। अब क्यों परेशान है तू? मैं परेशान नहीं। चल तू मेरे साथ, मैं अदालत से तुझे खुला दिलवाऊंगी। अरे ये तैमूर तो फरिश्ता बनकर फिर से तेरी जिंदगी में आ गया है। मैं तो कह रही हूँ इससे शादी कर और चली जा बाहर। तेरे पीछे पीछे मैं भी लंदन आ जाऊंगी। फिर लोग मुझे नजमा दुबई वाली नहीं बल्कि नजमा लंदन वाली कहेंगे। इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं ऐसा कोर्ट नहीं जा सकती। और जमील का सबक तो मैं भी सिखाना चाहती हूँ। बस इसे उठाए उठाए फिर। अरे कुछ अजर देने वाली नहीं है ये तुझे। और ये तू आज वर्कशॉप क्यों नहीं गया? नहीं वो मैं अस्पताल जा रहा हूँ आशी के पास। वो कमबख्त नजमा है ना अस्पताल में आशी के पास। मैं तो कहती हूँ इस बखेड़े से अब जान छुड़ा। ये दोनों जरा इज्जत नहीं करती मेरी और तेरी। इनकी जबानें भी बुरी हैं और नीयत भी बुरी। और वो आशी को देखो, अपनी माँ के अलावा किसी की सुनती ही नहीं है। हमें किन नफलों का सवाब है भैया? हमें एक बच्चे की तमन्ना थी, वो हमें मिला नहीं। आशी सारी उम्र तेरे साथ पालतू जानवरों वाला सलूक करेगी। नजमा अपने मुंह से तलाक मांग रही है, दे के जान छुड़ा। तो कैसी बातें कर रही है अम्मा? तो बेचारी अभी मौत के मुंह से निकले भी और तू? इससे पहले कि ये माँ बेटियां तुझे खा जाए, संभल जा। तिकनी का नाच नचा देंगी तुझे। ये घर भी जाएगा और तेरी खोखली मोहब्बत भी। आशी से तेरी शादी करके मैंने तेरी जिद पूरी कर दी, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। अब तलाक दे इसे। मैं क्या हो गया तुझे अचानक? मुझे अचानक कुछ नहीं हुआ, 6 महीने से गम पाल रही थी। अब नजमा अपने मुंह से तलाक मांग रही है, देता क्यों नहीं है? नहीं दूंगा तलाक, पहले कुछ भी हो जाए। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, जाओ तू। अम्मा तुझे तो इतना तेज बुखार हो रहा है, चल डॉक्टर के पास। अरे बेटा कोई बुखार बुखार नहीं है, जरा सी कमजोरी हो गई है और कुछ भी नहीं है। खाला की तबीयत सुबह से बहुत खराब है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? खाला ने मना कर दिया था मुझे। अरे अम्मा हद करती हूँ, चलो डॉक्टर के पास खड़ी हो, सुनो कुंडी लगा लो। नहीं मैं साथ चलूंगी, चलो खाला।
कभी तंग आया कभी मंग आया कभी तंग आया कभी मंग आया किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया तुझे सुनो मैं तुमसे मिलने आई हूं चली जाओ मैं तो तुम्हें चंद दिनों में ही समझ गई थी पर शायद आशी तुम्हें समझ ही नहीं पाई मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है बहुत खुशकिस्मत है आशी जिसे तुम जैसा इंसान मिला जमील मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूं लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक सच जरूर बताना चाहती हूँ कैसा सच मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खाला के कहने पे किया था आवाज और नजरें नीचे रखकर बात कर मुझसे और चल जा जा दफा हो यहाँ से तूने मुझसे किस बात का बदला लिया जिंदगी भर तेरे पीछे दुम हिलाता फिरता रहा अरे नौकरों की तरह तेरी खिदमत करता रहा तेरा कसूर क्या था यही कि तेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा मेडिसिन साहब नहीं खाना मुझे कुछ मुझे मेरा बेटा ला दो मेरा हमजा मुझे दे दो हाँ तुम जाओ अदील मुझे मेरा बच्चा दो अदील मैं पैसे नहीं जाने दो फरा मेरी बात सुनो फरा मेरी बात सुनो देखो अगर तुम चाहो तो अपनी वालदा के साथ मेरे घर वापस आ सकती हो सब कुछ दोबारा से ठीक हो सकता है